मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उनका जवाब दे दे, ठीक है? मैं तैयार हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर्कियोप्टेरिस के दुम में मोरों की तादाद कितनी है? आर्कियोप्टेरिस के मोरों की तादाद 20। ओके, ठीक है। कॉकरोच के खराज आजा कहलाते हैं? इट इज डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट। डीएनए के मुंह लगाने के ये खामरा इस्तेमाल किया जाता है? डोंट नो। इमरजेंसी हार्मोन्स का इखराज होता है? आई डोंट नो। ओके, लेट्स स्टार्ट। कम, एम सी क्यूस इन फिजिक्स, कॉकरोच के खराज अज़ा क्या है? और आर्कियोप्टेरिस से मुरों की दाद 20 है। इमरजेंसी अज़ा को एड्रिनल मेडोला कह लेते हैं। खुद भी बर्फ और दुनिया के लिए ग्लेशियर्स में मौजूद पानी के फीसद मकदार 2% है। जीरनी नशोनुमा के दौरान बेकायदगियों के अमल मुतालिया कहलाता है। ट्रिटोलॉजी, हड्डियों के खुलियात हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स और ADH ओल्जियो एस्ट्रॉन और पेरोथर्मोन इसकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। गुर्दों की औसत रसीदगी का इलम कहलाता है। जे अच्छा, सांसीगी के लोगों को क्या कहते हैं? जेरियंटोलॉजी कहलाते हैं। उसे जीन थेरापी के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस को, शोर की सतह के शिद्दत की पैमाइश को हम क्या कहते हैं? डेसिबल। इंसानी जिस्म की सबसे लंबी और छोटी मजबूत तरीन हड्डी क्या है? फीमर। अगर हयातियाती कुरे से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए तो इसका पहला मनफी हयातियात असरान जाहिर होगा। यानी कि हयातियात कुरे अर्थ पर अगर ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए तो पहला किस पर असर अंदाज होगा? पैदावार पर, प्रोड्यूसर पर, और इसके बाद जो है वो दूसरे चीज़ों पर। अगर प्रोड्यूसर ख़त्म हो जाएगा तो दूसरी चीज़ें बाद में, लेकिन सबसे पहले प्रोड्यूसर ख़त्म हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाएगा। एक मखसूस जानदार और उसके माहौल के दरमियान बामी ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है जो माहौल के दरमियान और यानी कि जानदारों और माहौल के दरमियान ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहलाते हैं। एटम मालिक्यूल, मालिक्यूल आगेंस आगे, सेल सेल, टिश्यू टिश्यू आगे आगे, आगस्टम 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 आगस्टम, पॉपुलेशन पॉपुलेशन, कम्युनिटी कम्युनिटी, इकोसिस्टम इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। ओके, अमेज़िश। अमेज़िश की सबसे आला तरीन कस्म क्या है? बसरत की अमेज़िश है। नाकिस अफ़ाल नाकिस अफ़ाल की कारकर्दगी के नुस्ख़े अमसाल ज़ियाबेटस वगैरह वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इन ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी फॉर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स।